हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए पिंक और ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत वुलन ब्लाउज लेकर आई हूँ। इस पर देखिए मैंने एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है और जैकेट वाला भी बनाया हुआ है। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोग को इसका फर्स्ट पार्ट बनाना बताऊँगी, जिसमें मैंने बॉर्डर बताया है। और चलिए इसको बॉर्डर को बनाना शुरू करते हैं। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बहुत ही खूबसूरत वुलन ब्लाउज का पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए पूरी मैंने मोतियों से बनाई हुई है, बहुत ही प्यारी है। ये देखिए आप चाहें जो कलर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का ऊन लिया है और वाइट कलर की ये मोती ली हुई है। और ये डिज़ाइन मैंने देखिए सलाइयों से बनाया है, एस लाइक जैसे लग रहा है। ये मैंने क्रोशिया से बनाया हुआ है, बट ये मैंने डिज़ाइन देखिए सलाई से बनाया हुआ है। तो ये वुलन ब्लाउज का बॉर्डर बन रहा है। तो पहले आप लोग बॉर्डर बना लें, फिर उसके बाद ऊपर का पैटर्न मैं बताऊंगी कि इसका ऊपर का पैटर्न बहुत ही खूबसूरत होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊन लिया हुआ है और वाइट कलर की हमने मोती ली है। तो मोती आप लोग को फ्रेंड्स सीजली मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए कई साइज़ की मोती होती है, छोटी साइज़ की है। और आप जब भी मोती लें तो ये बता के लें कि हमने ये स्वेटर के लिए मोतियाँ लेनी है, ताकि इसकी पॉलिश ना जाए। तो अगर आप ऐसे कह के लेंगे, देखिए इसका गोल्डन कलर भी आता है। और ये सारी तो मेरी वाइट कलर की ही है, तो आप लोग भी ऐसे ले लें, ईजिली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। स्वेटर का कह के आप लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे कलर नहीं जाता, इसका पॉलिश नहीं जाता। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊन लिया है, 10 नंबर की मैंने यहाँ पे नीडल यूज़ की है, प्लस मैंने यहाँ पे 80 फंदे का ये बॉर्डर बना रही हूँ। तो एक बॉर्डर मेरा कंप्लीट है, सेकंड बॉर्डर मैं आप लोग को बताऊँगी कि ये बॉर्डर कैसे बनेगा। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 80 फंदे डाल लिए हैं। पीछे की साइड से हमने ये डिज़ाइन बनती है, तो आगे की साइड से एक सलाई हमने सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। तो पहला फंदा ये पीछे की साइड से देखिए डिजाइन शुरू हो रहा है। तो पहला फंदा हमने एक सिंपल बुनना है, उसके बाद एक फंदे पे हमने 3 बार लपेटना है। देखिए पूरी रो हमने फंदे ऐसे ही कंप्लीट करना है, मतलब एक फंदे पे आपने 3-3 राउंड लपेट के फिर ये सलाई आपने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। पीछे की साइड एक सलाई आपने सीधे की साइड बुनकर आना है, सीधा सीधा। अब पीछे की साइड से ये हमारे डिजाइंस ऐसे कि मतलब एक फंदे पे हमने 3-3 बार रैप करना है, लपेटना है 3-3 बार, और ऐसे ही हमने पूरी ये रो बुननी है। देखिए एक बार और आप लोग को बता दूँ, 1 2 3 तीन बार हमने रैप किया, फिर 1 2 3। तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है। अब पीछे की साइड से आपने ऐसे ही सारे फंदे पे 3-3 बार लपेट के कंप्लीट करना है। लास्ट में देखिए एक फंदे को हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है। स्टार्टिंग में भी एक फंदा हमने सीधा बुनना है सादा, और लास्ट में भी एक फंदा हमने सादा बुनना है। अब आगे की साइड से हमारी डिज़ाइन शुरू होती है। तो एक फंदे हमने पहले सादा बुन लेना है उल्टा सिंपल, 9 फंदे हमने खोलना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, कौन हमारे कहीं से भी फंसने ना पाए। अब देखिए यहाँ पे हमने 9 फंदे खोल लिए हैं, जो हमने एक फंदे पे 3-3 बार रैप किया था उन फंदों को हमने यहाँ पे खोल लिया है। अब सारे फंदे को हमने इस सलाई पे लाना है। देखिए ऐसे आपने पीछे की साइड से भी देख लेना है कि हमारा कोई भी फंदा छूट तो नहीं रहा है, और आगे की साइड से। तो चलिए एक फंदे हम ऐसे बुनेंगे उल्टा, इसमें से निकालेंगे, फंदे को हमने गिराना नहीं है। ये 9 फंदे हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे इसी पे, फिर एक बार हम ऐसे को ले जाएंगे, 2 बार हम बुने, फिर हम आगे से ऐसे ले गए, 3 बार बुने, फिर
ऐसे को, और फिर एक बार और। अब देखिए हमने ये फंदे को गिरा देना है। टोटल हमारे यहाँ पे एक फंदे छोड़ के, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक फंदा बुना था, तो यहाँ पे हमारे 9 फंदे हो गए होंगे। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। 9 फंदे के ये हमारा डिज़ाइन चल रहा है, तो 9 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए। फिर हम यहाँ पे 9 फंदे खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदा हमने खोल लिया। अब इन 9 फंदे को हमने इस वाली सलाई पे चढ़ा लेना है, ये देखिए। अब हमने फिर हमने उनको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये देखिए एक फंदा हम ऐसे बुन लिए उल्टा, फिर हम इस साइड से डालेंगे, देखिए ऐसे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो जाएंगे, देखिए 3 फंदा हो गया। फिर हम ऐसे डालेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 5 फंदे। फिर हम ऐसे डालेंगे, 7 हो गया। 2-2 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। क्यों 2 फंदे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम ऐसे बुन रहे हैं तो यहाँ से ऊन हमारा इस साइड नहीं कर रहे हैं, इसी साइड रहेगा, तो एक फंदा हमारे यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। लास्ट में देखिए 9 फंदा हो गया। अब देखिए 9-9 फंदे ऐसे हमारे चलेंगे। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 फंदा हमने खोल लिया। इसको इस पे लेंगे, फिर सॉरी हमारा कहीं फंसने ना पाए, बस आपने इतना केयर करना है। ये देखिए एक, आप इसे कार्डिगन के भी बॉर्डर पे बना सकते हैं, किसी भी पैटर्न पे ये आप हाफ कार्डिगन या फुल कार्डिगन पे डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हो गए। ऐसे ही करके हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आगे की साइड से ये पूरी डिज़ाइन बुनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे लग रहा है क्रोशिया से बना हुआ है। ये देखिए, अब पीछे की साइड से आपने एक सिलाई उल्टी लेके आनी है, आगे की साइड से भी एक सिलाई हमने उल्टा उल्टा बुन के, फिर यही हमारी डिज़ाइन रिपीट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी इजी डिज़ाइन है। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।